साक्षी एमएनएस न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा, यह सैन्य शक्ति का मखौल उड़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ी कुछ जानकारी साझा की थी। अब पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि वोट बटोरने के लिए पीएम मोदी ने देश की सैन्य शक्ति का मखौल उड़ाया और सेना का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से जुड़ा एक छोटा वीडियो शेयर करते हुए कहा, 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने सैन्य शक्ति की दक्षता का महो नहीं उड़ाया, पर मोदी ने अपनी रॉ विजडम को सेना के पेशवर रुख से ऊपर रखा। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया, आप सेना के नाम पर वोट बटोरने में इतने लीन है कि सेना का ही अपमान कर रहे हैं। इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे, तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। पहले मन में दो विषय है, मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेस रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हमें एक काम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे क्या करें। अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए चल पड़े। शेखीबाजी में मोदी ने युद्ध नीति का निरादर कर अक्षम्य अपराध किया है। सुरजेवाला ने जो वीडियो शेयर किया उसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले दिन बारिश हुई थी और उन्होंने सैन्य कार्रवाई से पहले हुई बैठक में सलाह दी थी कि बादल होने का यह फायदा हो सकता है कि हम रडार से बच सकते हैं। राजस्थान के इस शहर में है कॉलगर कॉलेज, देखकर हैरान हो जाएंगे आप। राजस्थान के कॉलेज की पहचान प्री बीएड टेस्ट 2019 के प्रवेश पत्र से उजागर हुआ है। 12 मई को परीक्षा देने गए अभ्यर्थी भी इसको देखकर हैरान और परेशान हुए। राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के तत्वावधान में दोपहर 2 से 5 बजे तक 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीएड की परीक्षाएं कराई गई। इसके लिए संबंधित नोडल एजेंसी ने विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र 10 दिन पहले अपलोड किए थे। बीकानेर के गोवर्धन डूंगर कॉलेज का नाम प्रवेश पत्र में ऐसा छपा जिससे अभ्यर्थी भी दंग रह गए। पीटीईडी नोडल एजेंसी ने हिंदी और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड किए। इसमें हिंदी के प्रवेश पत्र में गोवर्धन डूंगर कॉलेज बीकानेर का नाम गोवर्धन डूंगर कॉल गर्ल बीकानेर प्रिंट किया गया। यह देखकर महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैरान रह गए। राजस्थान के लोगों को भी पहली बार इस नाम का कॉलेज होने की जानकारी प्राप्त हुई। तो इस एक छोटी सी गलती से बन गया कॉलगर्ल कॉलेज। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।